आएगी तभी हम इसे बोलेंगे ए पी मेट, मतलब टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, कुछ इस फॉर्म में होगा तो हम इसको बोलेंगे ए पी मेट भाई। और इसके बाद कुछ इसका सम का फॉर्मूला होता है में बहुत कम टाइम होता है, कम टाइम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और देखिए जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखेंगे, ठीक है, तो क्या करना है आपको p = 1 q = 2 और r = 3 को लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, p = 1 q = 2 r = 3, आपको इतना लेट करना है, ठीक है। We'll be right back.
अब माइनस सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखेंगे कि किसकी वैल्यू 4 आ रही है, इसकी आ रही है, इसकी आ रही है, किसकी वैल्यू 4 आ रही है। देखिए जब पहले वाले में देखेंगे, जब पहले वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमने 2 लिया है प्लस 1 * 3 देखिए ये तो
होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू ए प्लस, अब बी की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला है, बी की वैल्यू कितना